हेलो। हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मॉर्निंग टाइम में मैंने और मूसा ने जल्दी जल्दी से काम किया। तीनों स्कूल थे, मूसा आज घर पे था मेरे पास और हमने जल्दी जल्दी से घर का काम ख़त्म किया। और मूसा पढ़ नहीं था रहा, फिर मैंने उसको कहा मेरे साथ काम कराओ। आज मैंने माश की दाल बिल्कुल नमक और काली मिर्च और जीरे के साथ बनाई थी, सिंपल। और साथ मैंने दही फुलकियाँ बनाई थी। मैंने 3 आलू बॉईल कर लिए थे और फुलकियाँ भी जो उसकी वो मैंने घर पे बनाई थी बेसन से, साफ़ सुथरी। मुझे बाज़ार की नहीं पसंद है क्योंकि उसमें से मुझे थोड़ी सी ऑयल की स्मेल आती है। मैंने बेसन लिया, बेसन को मैंने पानी में घोल लिया था और इसमें थोड़ा सा नमक डाला था। और लास्ट टाइम पे जब मैंने ऑयल गर्म हो गया था तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला था और ये मैंने छोटी छोटी चम्मच के साथ ही डाली थी। और बना ली मैंने फुलकियाँ घर पे। ये भी मैंने कहीं से सीखी थी, किसी के घर में बनती थी तो आज मैंने भी ट्राई की तो अच्छी बन गई थी। और ये मैंने सारी बना ली। ये थोड़ी सी कड़क और क्रिस्पी होनी चाहिए और ये थोड़ी ज़्यादा ब्राउन इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं साथ साथ माश की दाल भी बना रही थी, वो ज़्यादा गल जानी थी और बॉईल हो चुकी थी। मैंने प्याज हल्के से तेल, थोड़े से तेल में मैंने प्याज डाल दिया था, हरी मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, नमक डाल दिया और दाल उसमें डाल दी। ये बस इतना सब कुछ ही डालना था। ये दही फुलकियों के साथ और माश की दाल ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये फुलकियाँ कुछ इस तरह से कड़क होंगी और ये दाल तैयार थी, मैंने दम पे रख दी। और मैंने एक तवे पे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ब्राउन किया था, ये हाथ के साथ मसल के जब हम दही फुलकियों में डालते हैं और खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है और टेस्ट भी। ये दाल तैयार हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं डालना, ये सिर्फ ज़ीरे वाली दाल है। फिर मैंने, गर्मी बहुत थी, अंदर कमरे में बैठ के मैंने ये बनाई थी और मैंने इसको पानी में डाल दिया क्योंकि थोड़ी नरम होनी चाहिए। ये एलिस अपना काम कर रही थी स्कूल का और ये जब थोड़े से 5-10 मिनट के बाद मैंने इसको डिश में निकाल लिया था। रुबैका आलू उठा उठा के खा रही है जो मैंने बॉईल करके रखे हैं, कटिंग करके। इसमें मैंने आलू डाल दिए थे और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला, हरी मिर्च डाल दी और प्याज डाल दिया था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा प्याज मुझे भी नहीं अच्छा लगता इसके अंदर। अब मैंने दही 2 किस्म की ली थी, खुली दही और डब्बे वाली दही मैंने मिक्स की। दोनों दही मैंने मिक्स ही काफ़ी ठंडी की थी, मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था इनको। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीनी इसमें डाल दी और नमक डाल दिया था और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया क्योंकि दही बहुत ठंडी है और ये बड़ी अच्छी क्रीम की तरह हो जाएगी। 1 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाल दी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको, जो डिश में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हुई थी, ये दही मैंने इसके अंदर डाल दी। मैंने दोबारा से इसको फ्रिज में रखा था थोड़ी देर के लिए, ज़रा थोड़ा अच्छा मसाले सारे एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो अच्छा लगता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है खाने में, सिंपल सा खाना है बिल्कुल, कोई नमक नहीं, मिर्च वाला नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सिंपल सा खाना है ये। और ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला और ज़ीरा जो मैंने ब्राउन किया हुआ था उसको मैंने अच्छी तरह से हाथ के साथ मसल के डाल दिया। ये थी दोनों मेरी आज की रेसिपी और आज की हमारी रूटीन थी। और आप लोग वीडियो देखिएगा और बनाइएगा, इतना मुश्किल नहीं है, जल्दी बन जाती है, नियत होनी चाहिए बनाने की। और आज की अच्छी बात ये है कि जब आप कोई काम करते हो और आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो और ज़्यादा हौसला मिलता है और अच्छा लगता है। और मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे बच्चे इस काम के लिए, आरिफ करते हैं और सिकंदर करता है, वो कहता है बाजी आप बड़ा अच्छा काम करती हो, बड़े अच्छे अच्छे काम करती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे भी ये कहते हैं। ओके बाय।